आज 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 मेरे को मिल गया मौका, ठीक है ना। क्या 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 कर रहे हैं आप कि फिर से चालू कर रहे हैं? मतलब फिर से अभी लाइट से चला गया और अंधेरा आ रहा है तो अभी फिर कैसा लग रहा है अभी? अब दोबारा से वैसे तो दोबारा से रिज्यूम नहीं, वैसे तो आप वीडियो बनाते नहीं हो, ये मेरे गलत गलत एक्सप्रेशन की वीडियो जरूर बना रहे हो। एक्सप्रेशन की गलत गलत नहीं, देखो लोगों मतलब जो हमारे व्यूअर्स रहते हैं ना उनको पता चलता है कि हाँ ऐसा भी होता है, ठीक है। अभी तुम ठीक हो मुझे पता है। वैसे मेरे से कहेंगे मेरी वीडियो को नहीं बनाते, और अभी कह रहे वीडियो बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो। चलो अभी जबे वबे खा लेते हैं और देखते हैं अभी कि कैसा कैसा रहेगा, कितना रहेगा। मेरे हिसाब से मैं एक 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 थोड़ा सा ऐड तो दे ही चुका हूँ मैं, और बाकी की पिक्चर बाद में दिखाई देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो अभी आज तो अभी के लिए इतना ठीक है, या फिर हॉस्पिटल जाने तक का ब्लॉग बनाना है? मैंने फिर से वीडियो शुरू कर दी है दोबारा से क्या? गुड मॉर्निंग करने के लिए मैंने इनको जगा दिया है, और इनको वीडियो के सामने आते कोई पेन नहीं होता है। कोई पेन हो रहा क्या आपको? अच्छा जी, इधर से दिखाओ मैंने क्या वेयर किया है। सो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये है मेरा ड्रेस जो कि मैंने इशू के टाइम पर पहना था, और आज फिर से मैंने इशू के टाइम पर पहन लिया है, ठीक है। और मैं इस तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। इससे पहले वाला ब्लॉग आपने देखा जैसे मुझे पेन हो रहा था, तो मम्मी और ने पेन में ही फटाफट मुझे नहला दिया इस वजह से, क्योंकि दो दिन तक फिर नहाना नहीं होता है। हॉस्पिटल वाले आपको ना वार्म पानी से अंगोच देते हैं खाली, और उसके बाद आपको जो वेयर कराना होता है वो वेयर करा देते हैं। सो मम्मी और उन्होंने बोला कि आप वार्म पानी से नहा जाओ, मैं फटाफट से नहा गई हूँ, और नहाते हुए थोड़ा सा दर्द हुआ था। अभी तो नहीं हो रहा है, पर अभी भी हो गया। तो ये मैं वीडियो फिर से बंद करूं? और ऐसी लड़की आपने नहीं देखी होगी। हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं, और मुझे जो पेन हो रहा है, ठीक है। अभी ना इनके दर्द से तो मजे इतने आ रहे हैं ना मेरे को, बस क्या ही बोलूं। किसी भी टाइम हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, इसलिए मैं रेडी हो गया हूँ। और मैं रेडी नहीं हुआ हूँ, मैं वैसे इतना तो रेडी हुई कि मैं बस लोअर पहनूंगा और चला जाऊंगा, और अभी मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, वरना ये अपना पेन स्किप कर देंगे, ठीक है। तो मैं इनको पेन के मजे लेने देता हूँ, दोबारा से जैसा कि मैंने बताया था कि हम कंटिन्यू रहेंगे, है नहीं है? तो इनको इनके हिसाब से मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। इसमें रख लिया हॉस्पिटल बैग में सब कुछ रख दिया? हाँ रख दिया मैंने सब। वो ऐसी लड़की देखी तुमने जो हॉस्पिटल जाने के लिए कितने अच्छे से रेडी हो गई? ऐसे होता है भैया, ऐसे होता है। बस मैं वीडियो बंद करता हूँ। इसके बाद कितनी ब्लॉगिंग होगी, आई डोंट नो, मैं नहीं कर पाऊंगी, अश्विन जी करेंगे। और आपको पता है जो पेन हो रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि बस नाचते रहो, एक्सरसाइज करते रहो। सो मैंने इनको हॉस्पिटल बैग बता दिया है कि इसमें क्या क्या है, दिखाओ उधर। ये इधर उन्होंने हॉस्पिटल बैग लिया, रखवा दिया, और बोले कि इसमें से सामान देते रहना मेरे लिए, जैसे कि मुझे पता ही नहीं होगी क्या मांगेंगे तो क्या देना है, है नहीं है? तो अभी सब कुछ ऑलमोस्ट डन है, हमारे भाभी एक्साइटेड है कि दो दो बेबी हो जाएंगे घर में, देखो तीन तीन बेबी हो जाएंगे। भाभी तो रात से बहुत परेशान हो रखे है, देखो कैसे हो बार बार पूछे जा रहे हैं कैसे हो परेशान, मतलब उनके फेस पे ना परेशानी सी झलक रही है, पता नहीं क्यों। वो मेरे लिए परेशान हो रहे हैं, अपने लिए कि मुझे अकेले छोड़ के चले जाएंगे पूरे घर में। सो गाइस, ब्लॉग को मतलब छोटे छोटे ब्लॉग आएंगे ना, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत बड़ा आएगा। हॉस्पिटल जाने तक का जो जो सिचुएशन होगी अश्विन जी आपको शेयर कर देंगे जब मैं डिलीवरी रूम में चली जाऊंगी। सो अभी के लिए मैं एंजॉय करती हूँ अपना पेन, ठीक है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो मेरी वीडियो को देख ले और खुश हो ले, जैसे भी कमेंट कर रहे ठीक है, बट आपको हैप्पी रहना है, क्योंकि ये पेन तो थोड़ी देर का है, जब आपका बेबी आ जाएगा ना तो ये सारा पेन छुमंतर हो जाएगा। ओके, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बाय बाय। नहीं, ये कंटिन्यू रहने वाला है, वो आपके लिए रहने वाला है, मैं तो चली जाऊंगा ना अब।
हाँ सो मेरे बेबी को दूध पिला देना, अभी बेबी सो के उठ गया विशु, मेरे बेबी को दूध पिला देना। आप ना ये अपनी ज्ञान गंगा बंद कर दो, ठीक है ना, उसकी नानी दादी और क्या कहते हैं मामी सब है उसके पास, ठीक है अभी। ठीक है चलो भाई ठीक हो, बाकी हम कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है ना, बताते रहेंगे दिखाते रहेंगे। दोगे आप मम्मी को गिफ्ट? दोगे नहीं? दोगे क्यों? क्यों नहीं दोगे? आपको पता है बेबी आने वाला है। ये जो इसने गुस्से वाला मुंह कर रखा है ना, बेबी हैप्पी बर्थडे में नहीं आ रहा है। हैप्पी बर्थडे में तो बेटा वो आया ही नहीं। आजकल विशु को बहुत गुस्सा आने लगा है। अश्विन जी कैसी फीलिंग आ रही है? मेरे को जब दर्द हो रहा है ना तो मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है अपने आप में ना। अच्छा आपको पता है जब मुझे पेन रुक जा रहा है ना मैं क्यों बस मैं स्मृति से कह रही हूँ कि 9 महीने कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। दर्द हो रहा है अभी? लाओ 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 लाओ। तो ये ऐसे बीच बीच में दर्द हो रहा है और ऐसे ही दर्द होता है तो पागल लोग ऐसे करते रहते हैं। तो भैया ये तो ऐसे ही रहेगा सीन, और बाकी मैं अभी रख देता हूँ, ये अभी थोड़ी देर में करेंगे बातें, सही जब हो जाएगा। क्या बेटा क्या ऐसे ये देखना क्यों कह रहा है? ऐसे करो कैसे करो? पता नहीं हाई फाई कर रहा है। देखो भी छोड़ जा, अभी तो मैं बैग लेने आया हूँ ना, तो अभी मैं आ गया हूँ घर पे और बैग लेने के लिए, और बैग इधर ही छोड़ दिया था अभी क्योंकि हमें कंफर्म नहीं था पूरा, तो अभी मैं बैग लेके जाता हूँ, उसके हिसाब से सामान उसके अंदर है, कुछ चीज़ें कम थी वो भी मैं डाल के लेके जा रहा हूँ अभी, और एज पर डॉक्टर डायरेक्शन बोलते हैं कि अभी वो शायद 4 बजे के आसपास होगा। तो हाँ यस इट इज़ अ लेबर पेन एंड वो बीच बीच में ज़्यादा भी हो रहा है उनको, इसीलिए हम ले भी गए थे उनको क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था अभी ज़्यादा, तो अभी वहाँ पे उनको ड्रिप लग गई, वो भी मैं दिखा देता हूँ अभी वहाँ पे चल के आपको, और बाकी चीज़ें जो भी होती रहेंगी मैं दिखाता रहूँगा, और अभी मैं जाता हूँ ये बैग लेकर के उनका, और कुछ भी अपडेट होगा वो मैं देता रहूँगा ऐसे ही। ये बिन्नी देखो बदल बदल हम लेके आ रहे हैं इनको, कि गाड़ी में तो आना नहीं था कैसे भी, इनको ऐसे रिलैक्स भी है और हमारा काम भी हो जाएगा, अभी हम सीधा पहुँचेंगे हॉस्पिटल, ऐसे ही पास में ही है हॉस्पिटल एकदम। तो मैं बता सकता हूँ अभी तो अभी तक थोड़ा सा बोल सकते हो कि आपको कैसा फीलिंग आ रही है, चलने वाली फीलिंग आ रही है आपको है? तो बस अब बेबी आने ही वाला है, थोड़ा सा तो स्माइल कर दो यार। जल्दी से हो जाए। अच्छा जी कितना जल्दी से? जो नॉर्मल टाइम है वो तो लगेगा ही ना यार उसमें, है नहीं है तो अभी बस हॉस्पिटल पहुँचने गए हैं, ठीक है। तो भाई अभी मैं इधर पहुंच गया हूँ और उनको ले गए हैं अंदर लेबर रूम में, अभी वो देखते हैं, अभी मम्मी भी साथ में नहीं है वैसे, देखते हैं अभी इसमें क्या निकलता है, ये अपडेट करते रहेंगे उसमें। तो अभी इनको ये लग गई है बोतल एक, और ये इधर लेट गए हैं, इनको बीच बीच में पेन हो रहा है जैसे कि अभी फिर से स्टार्ट हो गया। आप हाथ को सीधा रखना थोड़ा सा, तो अभी बहुत टाइम से ऐसे ही चल रहा है इनका, और ये जैसा कि बताया मैंने कि 4 बजे तक में भी ऐसा ही रहेगा, देखते हैं बाकी कितनी जल्दी होती है डिलीवरी। अभी टाइम हो रहा है 1:14 और अंदर से आ रही है आवाज़ बेबी के रोने की, तो बेबी आई होप हो गया है, और वो कपड़े लेने आ रहे होंगे मेरे पास, तो मैं भी कपड़े दे देता हूँ उनके लिए पहनाने वाले हैं। Yeah.
फिर किस लिए रो रहे हो? बस रहने दो तुम। कोई बात नहीं, जाओ ऊपर, शायद ठीक नहीं चल। फाइनली ये बताने लगे हैं कि बेबी हो गया है, जो कि मैंने बता दिया था कि बेबी हो गया है, ठीक है? नहीं है, आई एम सो हैप्पी। आपको पता है इतना प्यारा है ना, बिल्कुल अपने पापा पे गया एकदम। मेरे को सबसे बड़ा डाउट तो यही था कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं क्यूट है ना, आप देखोगे ना कि काला काला तो नहीं हो जाएगा। मुझे पता है आपको यही डर था। तो कैसा लग रहा है आपको अभी? मुझे रोना। मेरे को मास्क लगाना पड़ेगा, डॉक्टर ने मना करा है कि सर्दी खांसी वालों से दूर रखना है। बच्चे को माँ के सीने से लगा कर रखना है, दूध जब तक नहीं आएगा जब तक वाटर का दूध देना है। दूध कैसे देना है वो मैं अभी पूछने जा रहा हूँ, लेने भी जा रहा हूँ। उन्होंने सब बता दिया कि कपड़े कहाँ सुखाने, सुखा के डाल दिए आपके, और कहाँ से लेने कपड़े, यहाँ से लेने, इधर से पीछे से। देखो नानी के पास है बेबी, और बेबी है नानी के पास, जो कि नानी ने, नानी तो डर गई थी भाई। क्यों बाबा, नानी तो डर गई थी। ए मम्मी कैसा लग रहा था आपको? हाँ भैया, मुझे बहुत डर लग गया। और बेबी का वेट बताओ कितना है? बेबी का वेट कपड़ों के साथ में है 3.5, 3.6 मतलब। तो अभी मतलब हम कितना भी कंसीडर करेंगे तो 3 किलो 200 ग्राम तो है ही कम से कम, है नहीं है? जो कि ठीक है। इधर करो, आपको पता है अभी मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा। उन्होंने पेन किलर भी दे दिया है ग्लूकोज में डाल के, बट फिर भी पेन हो रहा है। कोई बात नहीं, ये होगा, वो भी वो सही हो जाएगा। शाम तक आप सब सही एकदम। शाम को तो बोल दिया उन्होंने जाने के लिए। यहाँ पे देखो दीदी, जल्दी चार्ज कर देते हैं, हम शाम को चले जाएंगे। और आपको पता है फोर्सली डॉक्टर इनको अंदर बुला रहे थे कि अपनी बीवी की डिलीवरी देख लो। बाबा आपने ना अंदर नहीं बुलाया ना, मेरे को वीडियो बनानी थी। मम्मी मम्मी वो बोल रहे थे ना, मुनिष्का है, मुनिष्का है। बुला तो इसीलिए रहे थे, ये बोल रहे थे कि वीडियो अगर आप बेबी का निकालते हुए लेना है तो ले लो। निकालते हुए थोड़ी ना लेना था मेरे को, क्या तो फोन लगा। आपको पता है ये नहीं आते, पिछली बार भी नहीं आए थे और इस बार भी नहीं आए। नहीं आए? अच्छा, आपने मना किया मेरे को, जबकि इनको अंदर बुलाया जाता है। मेरे को वो हरे वाले भैया बोल रहे थे, जिन्होंने, हेलो झूठ मत बोलो, हरे वाले भैया मेरे को बोल रहे थे कि वो मना कर रही है वैसे ना। मैं मना कर, हाँ आप मना कर रहे थे तो बोलो ना, आप मना कर रहे थे। प्रॉब्लम में थी ना। हाँ तो मेरे को तो बोल रहे थे कि आपको बनानी है तो बना लो इस चीज के लिए, है नहीं है? और सीरियसली डॉक्टर इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे हैं ना, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। नहीं, सारे लोग अच्छे हैं। हाँ सभी लोग सही। आंटी भी देखो इधर आ गई है, आंटी आंटी देखो, आंटी आंटी भी इधर आ गई है अभी। सभी बहुत अच्छे हैं, अच्छे का ऑपरेशन होगा। नहीं लेकिन उनको पेन ही नहीं हुआ था ना वो यार। हाँ उनको वो कर भी लेते हैं एडजस्ट, तो पेन नहीं हुआ ना उनको, नहीं हुआ ना। पर मम्मी बहुत खतरनाक पेन होता है, बहुत खतरनाक। तुझे अब तो बहुत ही बहुत ही